सर सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहें, क्या नाम है? हाँ, मैं आर के रमन हूँ, यतीन एक्सरे लैब हूँ मेरा। आर के रमन जी, जिस तरह से रोड की स्थिति है, कब से ऐसी? ये फरवरी से बन रही है सर, और अभी जो बारिश हुई थी 4 दिन पहले, इसमें लगभग ये बिल्कुल पटरी के बराबर पानी थी यहाँ पे जमा, और निकासी नहीं थी इसकी। ये मलबा जो गिराया हुआ है, जिस दिन गिराया था उस दिन भी बोला था इसको कि भाई जो काम हो गया उठा लो, ये आया बोला उठा लूँगा, अभी तक तो उठा के नहीं ले गया, 10 दिन हो गया इसको। ये देख लीजिए, ईट करिए यहाँ पे। यहाँ की मेन रोड है ये, एक ये मेन रोड है, एक पीछे मेन रोड है। वो रोड तो फिर भी ठीक है, अभी उस पर नहीं हुई है खुदाई, बाकी अगर उस रोड के पीछे जाएंगे तो यही हाल है हर जगह। तो क्या लगता है, जिस तरह से मानसून है, ऐसे में तो रोड की खुदाई नहीं करनी चाहिए? अभी रोक देना चाहिए, पब्लिक को बड़ी दिक्कत होती है। अभी आप देख रहे हैं, एक भी ट्रैफिक चल रही है इधर से, ये पूरी खुली हुई है ट्रैफिक, बढ़िया उस पर ट्रैफिक होता था, अभी एक भी ट्रैफिक देखिए नहीं चलती है। इलाके में यही है कि और भी इलाके नहीं? और पीछे सर प्रधान चौक के वगैरह है, इधर हर जगह ऐसे ही करीब, नहीं तो 60% ऐसे सड़क है पूरे विकासनगर में। जब पानी यहाँ भर जाता है तो लोगों को कठिनाई काफ़ी होती है? कठिनाई तो होगी सर, काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी जब अभी सूखे में ट्रैफिक नहीं है तो सर उस समय तो पैदल भी चलना मुश्किल होता है। तो पिछले 6 महीने से ये काम चल रहा है? हाँ, करीब फरवरी मार्च से चल रहा है, पर हाँ होली से पहले से चल रहा है सर। किस चीज़ का है ये? ये सीवर लाइन की चल रही है सर, जल बोर्ड का है ये? हाँ, जल बोर्ड का। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम अमित है। अभी आप इस रोड से आए हो, कितनी बदतर स्थिति में ये रोड है? जी, हद से ज़्यादा यहाँ पे बुरा हाल है, और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आना जाना इतना मुश्किल हो जाता है बारिश के टाइम पे। इवन हमारी दुकान यहीं सामने, मेरी दुकान है, तो मैं उनसे 50 बार बिल्डोज़र वाला आता है यहाँ पे, मैं उससे बोलता हूँ कि भाई ये रोड साफ़ करो, ताकि हमें आने जाने में दिक्कत ना हो, हमारी गाड़ियाँ आने में, माल खाली करने में कोई दिक्कत ना हो। बट बिल्डोज़र वाला आता है, फ़ोन चलाता है और चला जाता है चुपचाप, हमारी एक बात सुनता नहीं है। हमने जो इवन यहाँ के इंजीनियर वगैरह हैं उनको भी बोल के देखा, वो भी हमारी एक बात सुन के राजी नहीं। कब से ये स्थिति है रोड की? लगभग 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से हम यहाँ पे सिर्फ किराया भर रहे हैं अपना 15,000 रुपये दुकान का, 1 रुपये यहाँ पे दुकान पे कमाई भी नहीं किसी की भी, सारी कम से कम 15 दुकान वाले यहाँ पे खाली करके जा चुके हैं। किस चीज़ का काम चल रहा है? ये सीवर का काम चल रहा है, बट काम कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पे, काम बस लापरवाही चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल धीरे काम हो रहा है, बिल्कुल करते मन मर्जी से काम होता है यहाँ पे। पहले यहाँ गड्ढा खुदा था कम से कम 4-5 महीने, अब जाके वो गड्ढा बंद हुआ है। बारिश का टाइम है, मानसून है, बारिश हो जाएगी तो यहाँ तो बड़ी बदतर स्थिति होती है। जी सर, यहाँ पे पूरे में पानी भर जाता है, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, गाड़ी की तो बहुत अलग बात है, पैदल ही यहाँ पे बुरा हाल हो जाता है सर। यहाँ पे चला ही नहीं, अधिकारी आते हैं? कोई भी नहीं आता यहाँ पे, हम कितनों जो भी अगर सीनियर भी आता है, मैं उसको बोलता भी हूँ कि यहाँ से साफ सफाई करवाओ, कोई सुन के राजी नहीं है। यहाँ का कौन सा है ये? है विकास नगर, राजंस बिहार। विधानसभा कौन सी है? विकासपुरी। इसके जो विधायक वगैरह वो कभी नहीं देखते इस तरह? कोई विधायक वगैरह तो कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे किसको कितनी दिक्कत है, किसको क्या है, उन्हें बस अपना काम चल रहा है, कहते हैं कि हाँ कहाँ जी काम हो रहा है, बट काम किस स्पीड से हो रहा है वो इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम नरेश सिंह है, मैं महासचिव हूँ फेडरेशन ऑफ विकास नगर रेजिडेंट वेलफेयर। सर, आपके विकास नगर इलाके में काफ़ी जो सड़कें हैं बद से बदतर स्थिति में है, मानसून का समय चल रहा है और सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, कहीं काम चल रहा है, कहीं काम रुका पड़ा है, जल भराव, तो ये कब से है स्थिति और इसके लिए क्या आप लोगों ने कोई शिकायत की? देखिए, पहली बात तो सर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आपने जिक्र किया मानसून सत्र का, 2017 से और अब 2022 आ गया, पता ना कितने मानसून आए, ऐसे ही मानसून चले गए। अब रही रोडों की बद से बदतर की, आप लगभग देखोगे विकास नगर के जितने मेन रोड हैं, एक को छोड़ के, वो भी गलती से नगर निगम के चुनाव के चक्कर में कुछ राजनीतिक दबाव के चलते बना दिया गया, नहीं तो सभी रोड डेवलपमेंट के नाम पे खोद दिए हैं, और खोद कर ना ठेकेदार उनकी सूझ ले रहा है, ना ही कोई कंसल्ट इंजीनियर उनकी सूझ ले रहे हैं, इसलिए जनता त्राईमाम कर रही है। और आलम ये है कि आदमी उसके रोड को देख कर दूसरे वाले रोड के लोग रो रहे हैं, और दूसरे वाले रोड को देख कर दूसरे वाले रोड रो रहे हैं, सब एक दूसरे को देख कर सांत्वना देकर बैठे। तो जिस तरह से रोड टूटी पड़ी है, कभी स्थानीय विधायक या जो है संबंधित अधिकारियों से बातचीत नहीं की गई? नहीं, सबसे की गई है, पत्राचार भी किए गए हैं, लेकिन ये जो पेपर वर्क है फाइलों में तो परिपूर्ण कर दिया जाता है, लेकिन मौखिक स्थिति आपने भी देखा होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो आपने नहीं देख पाए उनकी आप एक विजुअल जरूर लीजिएगा, ताकि रूबरू हो सके। किस डिपार्टमेंट ने खोद के रखा हुआ है? आप बताएं, 2017 से है, कौन से डिपार्टमेंट ने इसे खोदना चाहिए? खोदने का जिम्मा दिया गया है सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड को, कभी पानी की लाइन के चलते, कभी सीवर के लाइन के चलते, लेकिन ना पानी की लाइन
डालते समय जो काटी गई थी उनको रिपेयर किया गया और न ही अब जो शिवर डालते गए उनको रिपेयर किया जा रहा है। दूसरी जो रही खही जो थोड़ी बहुत जो बची हुई थी गुंजाइश वो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग डेवलपमेंट कर रहा है, उसने पूरी कर रखी है, जो कई कई महीनों से पड़े हैं, कोई सूझ लेने वाला नहीं है और न ही अधिकारी आम मौके का सर्वे कर रही। कौन सा इलाका है ये? विकास नगर है। विधानसभा कौन सी? विकासपुरी विधानसभा।